तो स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम आए हैं बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा में रुके हैं उत्सव होटल। चलिए अंदर चलते हैं और रूम दिखाते हैं आपको। ये रहा भाई उत्सव होटल, पार्किंग इसके बाहर ही है और बगल में और ऊपर इसका ये यूएस पिज़्ज़ा रूफ टॉप कैफ़े, और बगल में रिलायंस ट्रेंड भी है। ये रही पार्किंग, सारी गाड़ियाँ लगी यहाँ पर। बांसवाड़ा सिटी ऑफ 100 आइलैंड, माही डैम भी है भाई यहाँ पर। तो माही, आइए अंदर चलते हैं और आपको रूम भी दिखाते हैं। चलिए ये है वेटिंग एरिया, होटल काफ़ी बढ़िया लग रहा है, टीवी लगी हुई है एलजी की। ये रहा रिसेप्शन, आओ। ये रिसेप्शन इंस्टॉलेशन लगा है। हाँ सर आप चलिए। चेंज क्या करना है? ये रिसेप्शन लाइट दिखाता हूँ आपको ऐसे करके। नाइस। तो भाई लिफ्ट से उतर के आपको इधर जाना है, अगर आपका 205 या 209 है। नीचे बैंक्वेट भी है और मुझे इन्होंने शायद स्वीट रूम दिया है, देखता हूँ कैसा स्वीट है। ये 201 दिया है। अंदर चलते हैं, रूम दिखाते हैं। चलो इधर है टी स्टेशन, पानी की दो बोतल दे रखी है इन्होंने। वाह वाह वाह, ये है मीटिंग रूम। तो स्वीट रूम का फ़ायदा होता है कि दो रूम होते हैं, है ना। यहाँ पर मैंने अपना बैग रख दिया है, यहाँ पर भी एक अलमीरा है, हैंगर लगा हुआ है, इसमें गोदरेज का सेफ भी है, स्लीपर बाहर दे रखी है इन्होंने। तो यहाँ पर आप मीटिंग कर सकते हैं, इसीलिए इसको बिजनेस रूम बोला जाता है या स्वीट रूम बोला जाता है, कि अगर आप शाम को अपने फ्रेंड्स के साथ या जो भी बिजनेस एसोसिएट्स हैं उनके साथ मिल के यहाँ बैठ के डिस्कशन कर सकते हैं। यहाँ पर भी एक टीवी लगी हुई है, एलजी की टीवी लगी है, एसी भी लगा हुआ है यहाँ पर। चलिए अंदर रूम में चलते हैं। वाव, ये है बेड, काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है यार। ये देखो, मैं हर बार आपको एक चीज़ दिखाता हूँ ना, मैं आपको वॉल से डिस्टेंस दिखाता हूँ। आप देख रहे हो वॉल से बेड का डिस्टेंस, देखिए आप कितना ज़्यादा है। वाओ, ये देखो। होटल का नाम मैंने आपको बताया था, उत्सव होटल है, और ये इस साइड से कुछ व्यू आ रहा है इधर से। ये सामने एसी लगा हुआ है, टीवी एलजी की यूज़ कर रहे हैं, सारी एलजी की टेलीविज़न यूज़ कर रहे हैं। हालांकि थोड़ी सी छोटी लग रही है इस स्वीट रूम के हिसाब से टीवी, बट नेवर्थलेस यहाँ पर शीशा है। ये रहा वॉशरूम, वॉशरूम देखते हैं। वॉशरूम में टॉयलेटरीज रखी हुई है, यस, शेविंग किट है, कूम्ब है, टॉवल है। वॉशरूम भी काफ़ी बड़ा है यार, काफ़ी बड़ा है, घर जैसा लग रहा है, इतना बड़ा वॉशरूम दे रखा है। शावर है और बाल्टी भी दे रखी है। इधर से कुछ ऐसा व्यू आता है, ये देखो, काफी ह्यूज है यार, काफी बड़ा है। पंखा मैंने बंद कर दिया है, फिर से दिखा देता हूँ। तो ये था ओवरऑल, ये सेटअप है ना, इधर से मैं आया था, ये रूम है। चलिए पूरा वीडियो देखिएगा, फिर बताऊंगा आपको यहाँ पर खाने पीने का कैसा था, और ओवरऑल लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि कितना ज़्यादा पैसा दिया मैंने, कितना पे किया ओवरऑल, ठीक है। पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कहाँ पर क्या अच्छा लगा। तो भाई हम लोग होटल में खाना नहीं खाने आए, हम लोग आए यहाँ, एक फेमस दुकान है, इसका नाम है भैया जी पराठे वाले। चलिए अंदर चलते हैं। तो ये भाई मेन्यू है इनका, और स्पेशलिटी आलू पराठा, ये सारे पराठाज हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। और इधर भी है, वो किट स्पेशल भी है भैया। भाई चीज़ भी, पिज़्ज़ा नहीं है, चीज़ पराठा है। वाह वाह, साथ में कटर भी है, पिज़्ज़ा कटर। काटो काटो, अपने को और देने पड़ेंगे ऑर्डर, अगर आलू प्याज दिया लो भाई। मेथी का भी मंगा लिया, और इस पराठे में बिल्कुल भी तेल नहीं है भाई, बस हो गया। छाछ भी बहुत अच्छा है। चलो भाई खाना खा लिया, बहुत ही शानदार थे भाई जी के पराठे। तो भाई हम लोग आ गए फेमस पोहा भंडार, हजारी जी के पोहे हैं, ये रहे पोहे, ये रहे हजारी जी।
सॉरी हजारी जी, इनके फादर थे, इन्होंने भी बताया इनका नाम आदेश ही है। 4 बजे तक आज भी बनते हैं। क्या बात है, कितने टाइम से बना रहे हैं? 60-70 साल से पोए। 35 साल तो मुझे हो गए। ओह माय गॉड, तब आप देख लीजिए, तभी लोग आते हैं दूर दूर से पोहे खाने, हम भी आए हैं। तो ये रहा वो पोहा जिसे हम खाएंगे और फिर आपको बताएंगे गर्मा गर्म। तो ब्रेकफास्ट करने आए हैं भाई होटल में। इनका टाइम भैया 10 बजे का है, बोल रहे हैं वाइंड अप हो जाएगा, ये सब लगा हुआ है, जो फ्रेश ही मंगवाना पड़ेगा सारी चीज़ें, पराठा है, ये सारी चीज़ें हैं। और नीचे इनका एक रेस्टोरेंट है, यहीं पर ही ये ब्रेकफास्ट कराते हैं यहाँ पर। तो आइए देखता हूँ मैं क्या क्या लेता हूँ। तो भाई ब्रेकफास्ट करने आया हूँ मैं, टाइमिंग इनको मैंने बताई, कह रहे नहीं, फिर भी इन्होंने अलाउ कर दिया है। लगभग 10:30 हो रहा है। ये है, मैंने छोले लिए हैं, ये लिया और चाय लिया। तो भाई हम लोग बांसवाड़ा में थे, सदर बाजार में घूमते ढूंढते गाड़ी हमने खड़ी की चौराहे पे और आ गए हैं गेरी भाई रबड़ी वाले जी की दुकान पे। बहुत ही फेमस रबड़ी मिलती है यहाँ पर, खाते हैं आइए। हमारे ऑर्डर पर खीर भी बनाई जाती है। ये रहे श्रीखंड, ये रहे फेमस, ये इनकी दुकान। कितना टाइम हो गया ये ही रबड़ी? तो ये श्रीखंड निकाल रहे हैं, ये निकाल लिया, इन्होंने खा के बताते हैं कैसे। जी ये तो हमने दोनों चीज खा ली। हमारे साथ जुड़े हैं सर, सर अपना नाम बताइएगा थोड़ा। जगदीश कंसारा। हाँ जी, बता रहे थे आप कुछ, कितने साल से कर रहे हैं आप ये सब? 90 साल पुरानी दुकान है। और उस पंखे के बारे में आप कुछ बता रहे थे, 75 साल पुराना पंखा, कौन सी कंपनी का है? उषा फैन। भाई साहब उषा की कंपनी के पंखे 75 साल के ऊपर चलते हैं। तो आपकी शॉप सिर्फ यहीं पर है बांसवाड़ा में या कहीं और भी है? यहीं पर ही है। क्या क्या होता है आपकी दुकान में, क्या क्या बेचते हो? रबड़ी बेचते हैं, श्रीखंड बेचते हैं, लस्सी बेचते हैं। रबड़ी, श्रीखंड, लस्सी। और क्या टाइमिंग रहती है? सुबह 8 से 10। सुबह 8 बजे खोल देते हैं, रात में 10 बजे बंद कर देते हैं। अच्छा, और क्या स्पेशल चीज डालते हो जो इतने टेस्टी है, लोग दूर दूर से आते हैं? ये रबड़ी के लिए, श्रीखंड के लिए। श्रीखंड के लिए जो भी हमने कहा। और रबड़ी अमेरिका से लोग आते हैं? क्या बात कर रहे हैं आप, सच में? अच्छा, बहुत बहुत थैंक यू हम लोग से बात करने के लिए, थैंक यू। तो ये अंदर से भी दिखा देते हैं। इन्होंने एक चीज और बताई, ये जो रेडियो दिख रहा है आपको, ये 1942 का है। यही है ना रेडियो जो आपको डब्बा जैसा लग रहा है? और ये वो पंखा, बहुत तगड़ी हवा दे रहा है भाई। ये पूरा सेटअप है, अंदर भी बैठ के आप खा पी सकते हो। यहाँ पर तराजू लगा है इन पे, और इधर से दुकान कुछ ऐसी है, यहाँ पर बैठ के हम खा रहे थे। ये देखो एक होल भी दिया, डब्बा डाल, डब्बा डाल। ये देखो भैया खुल गया, ये रहे स्विचेस इसके। कौन सी कंपनी का है? अच्छा, तो भाई यहाँ पर ये इनको पेप्सी बोल रहे हैं। ये पेप्सी है, ये पेप्सी, और ये भी पेप्सी है, ये भी पेप्सी, और ये। तो भाई हमने श्रीखंड और रबड़ी खा ली है, और बहुत बढ़िया थी यार, जरूर ट्राई करिएगा आप। और अगर बांसवाड़ा रहे तो एक बार जरूर आइएगा। तो जी भाई डिनर टाइम हो गया, आ गए नीचे खाने जहाँ पर सुबह ब्रेकफास्ट किया था। अच्छा, इनका जो होटल है उसका एक रेस्टोरेंट भी है, ये रहा जो आपको सुबह दिखाया था मैंने। और आपको एक बात बता दूं भाई साहब, यहाँ कूलर भी है, थ्रॉट कूलर है, सूप है, और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चाइनीज़ भी है, मेन कोर्स में पनीर, तंदूर, स्टार्टर्स फ्रॉम द बुक, कोफ्ता एंड करीज, एवरग्रीन वेजिटेबल और दाल। खास बात आपको बता दूं, ये पूरा वेजिटेरियन है भाई, यहाँ पे नॉन वेज नहीं मिलता है। तो अभी हम ऑर्डर करते हैं, देखते हैं क्या खाना है। तो भाई MAP पे काफ़ी चीज़ें नहीं थी, और जो थी वो मैं खा रहा हूँ। तो अभी हमने कोरिएंडर सूप मंगाया, बाकी चीज़ें आ रही हैं। तो भाई स्टार्टर में भी इन्होंने एक ऑप्शन दिया था, हनी चिली पोटैटो मंगवा लिया मैंने। तो भाई मेन कोर्स आ गया है, ये रोटी मंगाई मैंने, लच्छा पराठा, एक तंदूरी, और इनके पास तवा रोटी भी है। ये हमने किया है पनीर, और पनीर इनके पास थी राजवाड़ी पनीर हांडी। और हमने दाल मंगाई है, दाल में देखिए ज़रा, बहुत ही तगड़ा तड़का लगाते हैं, ध्यान रखिएगा ये सब खाऊंगा मैं। तो ये ओवरऑल अब आप देख सकते हो, ये सैलेड भी आ गया, प्याज आ गया सैलेड के अंदर, और स्टीम राइस भी आ गया, ये खा रहा हूँ। तो भाई लास्ट आइटम रह गया था हमारा स्वीट का, राजभोग आइसक्रीम, ये हमने खा रहे हैं। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों,
रूम से ये नज़ारा है। सामने पार्किंग है यहाँ पर, जहाँ हमने अपनी गाड़ी पार्क की थी, और ये रोड है जो हम सागवाड़ा से आए थे, इधर से आए थे। और आप माही डैम जाना है, जो कि यहाँ पास में एक अच्छी जगह आप जाके घूम सकते हैं, वो इस साइड से रास्ता है। और उस साइड पीछे ना एक माही रिवर का एक पार्ट भी बहता है, अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ तो, आई डोंट नो। और रूम कुछ ऐसा दिख रहा है अब, है ना। तो टाइम हो गया है ब्रेकफास्ट करने का, और ओवरऑल आपको बताने का कि कितना टैरिफ पड़ा मुझे। होटल स्टाफ बढ़िया है, काफ़ी कॉटेजेस है और सपोर्टिव भी है काफ़ी। और ये जो होटल है, यहाँ पर बहुत से फंक्शंस होते रहते हैं, बैंक्वेट काफ़ी बिजी रहता है, एक दिन में दो फंक्शंस भी हो जाते हैं। और काफ़ी बड़ा होटल है, काफ़ी बढ़िया होटल है। जितने भी लोकल लोगों से मैंने बात की, वो उन्होंने बताया कि बांसवाड़ा का नंबर वन होटल है, ये बेस्ट होटल है। और अब मैं ब्रेकफास्ट करने जा रहा हूँ, चलिए दिखाता हूँ वहाँ क्या ब्रेकफास्ट में, और उसके बाद आपको टोटल मेन्यू बताता हूँ। चलो लेट्स गो। टू को ब्रेकफास्ट है, देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या अवेलेबल है। दही है, केला है, पराठे हैं, वो मिसली आ गई आज, ये बढ़िया है। सब्जी है, पूरी है, और आई थिंक इधर पॉरेज होगा। हाँ पॉरेज है, दूध दलिया, गुलाब जामुन, और ये लगा रखा है इन्होंने कॉर्नफ्लेक्स, और वो ये लिया मैंने, प्लेट कर लिया है। अब मैं चेकआउट करने आया हूँ। यहाँ पर देखिए न्यूज़पेपर्स लगे हैं, राजस्थान पत्रिका, भास्कर बहुत चलता है राजस्थान में, दैनिक भास्कर, माही चली गुजरात, ये देखो इधर क्या है, दैनिक भास्कर मुद्रिमा, दैनिक भास्कर, इंडियन एक्सप्रेस। फाइनली टाइम आ गया है चेकआउट करने का, और थैंक यू शोभित जी गुप्ता जी, इन्होंने बहुत बढ़िया स्टाफ रखा हुआ है यहाँ पे। आपका क्या नाम है? राजेंद्र जी ने बहुत हेल्प की हमारी। और सबसे खास बात ये कि कस्टमाइज बिल आप बना सकते हैं जिस भी कंपनी के लिए आप काम कर रहे हैं। राजेंद्र जी कुछ बोलना चाहेंगे आप? बस हमारा होटल आप सबकी आशीर्वाद से चल रहा है। यस। और ऐसे गेस्ट आते रहे, इनको ऐसी सर्विस देते रहे, बेटर टू बेटर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए बिल बनाइए। तो भाई चेकआउट कर दिया है, और बिल भी आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करा सकते हैं। बहुत सपोर्टिंग स्टाफ है, मेरे साथ लबर सिंह जी है। तो बताइए कैसा था होटल हमारा है। आपके गेस्ट के लिए हम फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं कि गेस्ट का फीडबैक अच्छा हो, गेस्ट का स्टे अच्छा हो, फूड एंड गेस्ट की जो फैसिलिटी हो सारी प्रोवाइड अच्छी है हमारे तरफ। सबसे बेस्ट सीजन कौन सा है बांसवाड़ा आने के लिए? मानसून में, मानसून सबसे बेस्ट है। ओके चलो, होता है। और कितने रूम्स हैं टोटल यहाँ पे? 36 रूम है हमारे उत्सव होटल में। अच्छा, दो बैंक्वेट है और रेस्टोरेंट है मल्टी क्यूजिन। अच्छा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। तो अभी आप मिले होटल के स्टाफ से, अब टाइम हो गया है मेरा इस होटल को छोड़ने का। हालांकि मन तो नहीं कर रहा है, तो मेरा जो बिल आया अभी बता दूँ, 4000 प्लस GST ऑन MAP था। और वैसे अगर आप CP पे लेते हैं, सिंगल रूम लेते हैं नॉर्मल रूम, तो वो 2000 से 2200 रुपये प्लस GST पे पड़ जाएगा आपको। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखिएगा। बाय बाय।